नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। प्रियंका चोपड़ा शादी के 3 महीने बाद पति निक जोनस को तलाक देने जा रही है। इस बात का खुलासा हाल ही में ब्रिटिश वीकली मैगजीन ओके ने अपनी एक रिपोर्ट में किया था। मैगजीन के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने जल्दबाजी में शादी का फैसला लिया। अब दोनों के बीच प्रॉपर्टी और प्रियंका के लाइफस्टाइल को लेकर रोजाना लड़ाइयां होती है। ये खबर भारत समेत दुनिया भर में प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। बहरहाल रविवार को आई प्रियंका चोपड़ा की जोनस फैमिली संग तस्वीरों ने इस खबर को अफवाह करार दिया, लेकिन इस पूरे मामले में प्रियंका और निक जोनस काफी नाराज और गुस्से में है, लिहाजा उन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है। जानकारी मिली है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ओके मैगजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा के करीबी ने बताया कि एक बार पीसी ने अगर नेगेटिव खबरों के खिलाफ एक्शन लेने का इरादा कर लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रियंका ने अपनी लीगल टीम से बातचीत भी कर ली है। जल्द ही प्रियंका निक जोनस मैगजीन को इस पूरे मामले पर कानूनी नोटिस भेजने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की शादी के बाद भी एक इंटरनेशनल मैगजीन ने निक और प्रियंका की शादी को एक तरह का स्कैम बताया था। उस वक्त भी आर्टिकल में प्रियंका चोपड़ा को टारगेट किया गया था। अब इस आर्टिकल पर इंडस्ट्री के लोग और प्रियंका के घर वालों ने बोला तो मैगजीन के एडिटर ने प्रियंका से माफी मांगते हुए आर्टिकल को डाउन कर दिया था। एक बार फिर प्रियंका को निशाना बनाते हुए उनके तलाक की खबरें वायरल हो रही है। इस बारे में प्रियंका की बहन परिणीति चोपड़ा का कहना है कि ये पूरी तरीके से बकवास और अफवाह है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आपको ये बता दें कि मैगजीन ने दावा किया था कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, इसलिए ये तलाक लेने वाले हैं। बहरहाल अब मैगजीन की मुसीबतें बढ़ने वाली है क्योंकि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस गुस्से में हैं और वो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। देखना होगा प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। इतना तो तय है कि इन खबरों के बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस चुप नहीं बैठने वाले। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।